प्यारे बच्चों सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिशन सिंह, कक्षा 10, विषय विज्ञान, अध्याय विद्युत। इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय का अध्ययन हम आपको कराएंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने कुछ शिक्षण बिंदुओं की सहायता से आपको इस अध्याय का अध्ययन कराया था, जिनमें विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, बैटरी क्या होती है एवं उनके प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हमने आपको अवगत कराया था। उसी के क्रम में आज हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। उनमें प्रथम शिक्षण बिंदु है विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं? विभवांतर क्या है? ओम का नियम, प्रतिरोधकों का संयोजन जिसका श्रेणी क्रम में समायोजन, श्रेणी क्रम में सूत्र स्थापित करेंगे। इस प्रकार से हम इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम प्रथम शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव को समझने से पहले हम आपको एक उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या है, जैसे किसी बर्तन में पानी लें और पानी में बर्तन में पानी को और पानी मिलाते जाएं तो पानी देखेंगे कि उस बर्तन में जो पानी का तल है वो कैसा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। पानी का तल ऊंचा होता जाएगा। इसी प्रकार से बर्तन के पानी में पानी को हम ऊष्मा दें और ऊष्मा देते देते एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि ऊष्मा का तल भी ऊंचा होता जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी चालक में आवेश को प्रवाह करें तो आवेश का तल धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। इसको कहते हैं आवेश का ऊंचा होना, अर्थात ये कहलाता है विद्युत विभव का बढ़ना। ये कहलाता है विद्युत विभव का बढ़ना। इसी प्रकार से दो आवेशित वस्तुओं को लें, एक का आवेश उच्च है और एक का आवेश निम्न है। दोनों वस्तुओं को, दोनों चालकों को एक साथ रख दिया जाए तो हम देखेंगे उच्च चालक से निम्न चालक की ओर ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है। और ये कब तक होती है? ये तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों की ऊष्मा कैसी हो जाए, बराबर न हो जाए, तो तब तक होती रहती है। इसी प्रकार से दो बर्तन पानी लें और उनमें एक पाइप लगा दें और पाइप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रख दें तो आप देखेंगे जो उच्च तल वाला बर्तन है उससे पानी निम्न तल वाले बर्तन की ओर जाता है। ये हमने इसको समझाने की कोशिश की है। अब इसकी परिभाषा किस तरह से लिखते हैं, विद्युत विभव एकांक धनावेश। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव की माप है, उसी को विभव भी कहते हैं। एकांक आवेश मान लीजिएगा ये है हमारा कोई बिंदु A और ये हमारा बहुत दूर बिंदु है B। इस पर आवेश की मात्रा है और वो कैसी है, Q। आवेश की मात्रा A पर कैसी है, Q मात्रा है। और यहां से Q की मात्रा यहां तक जब किसी वस्तु को लाया जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा, कार्य होगा, किसी चीज को स्थानांतरित किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाएगा तो उसके बीच में स्वाभाविक है आप जानते हैं कि कार्य होगा। तो कार्य जो होगा वो यहां तक आने में उसको कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। अर्थात विभव को हम V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? V के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तो एकांक आवेश Q है और उसके द्वारा किया गया कार्य W है, तो इसके लिए सूत्र का निगमन है V इक्वल टू W अपॉन Q बराबर क्या होगा W अपॉन Q। अच्छा W का मात्रक आप जानते हैं, W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है जूल, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, या इसको इसको कहते हैं वोल्ट, इसका मात्रक हो गया विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा। अब किसी कार्य का मान एक जूल W इक्वल टू वन जूल और उसमें आवेश एक कूलाम हो, Q इक्वल टू एक कूलाम हो, तो विभव कितना होगा, तो विभव होगा V इक्वल टू वन अपॉन वन इक्वल टू वन और ये क्या होगा वोल्ट, कूलाम कूलाम होगा V इक्वल टू वन अपॉन वन अर्थात एक जूल कार्य है और एक वोल्ट कूलाम आवेश है तो इसका मान एक वोल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्युत विभव को हम ज्ञात कर सकते हैं। लगाएंगे अगला बिंदु है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस का अंतर, दो बिंदु होते हैं, हमने दो बिंदु कोई ले लें ए और बी, कोई बिंदु ले लिए हमने यहाँ पे परिपथ में, किसी परिपथ में ए और बी दो बिंदु ले लिए हैं, ये मेरा परिपथ है, ये बैटरी है, यहाँ पे ये बैटरी है और ये है कुंजी, कुंजी है, जब कुंजी लगाते हैं तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है, दो बिंदु लिए हैं हमने ए और बी, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं यानी ए और बी के बीच कितना एकांक आवेश, एक कूलाम का आवेश, एक कूलाम का आवेश प्रवाहित करने पर इसके अंदर जो कार्य होगा वो कार्य विभवांतर कहलाएगा। परिभाषा, किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ये परिपथ है हमारा, ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, एक जब बैटरी में कुंजी लगाई जाती है तो धारा का प्रवाह इस प्रकार से होगा, इस तरह से ये धारा का प्रवाह होगा ए से बी की ओर, तो ए से बी की ओर जो धारा का प्रवाह होगा वो कितना होगा एक कूलाम, लिखा है बीच एकांक आवेश, एकांक आवेश एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उनके बीच किया गया जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर को हम V से प्रदर्शित कर दें तो V से विभवांतर, आवेश को Q से और कार्य को W से प्रदर्शित कर दें अर्थात विभवांतर V, आवेश Q, कार्य W, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वोल्ट का मात्रक क्या होगा, विभवांतर का मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा, क्या होगा वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट होगा, यह W का मान एक है और Q का मान एक है तो V का मान कितना होगा एक वोल्ट होगा, यहां पे देखें V इज इक्वल टू वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन वोल्ट, वोल्ट। इस पर प्रश्न भी आते हैं, संख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं कि जैसे हमने W इज इक्वल टू 17 जूल ले लिया, कोई मान ले दिया है, प्रश्न है W इज इक्वल टू 17 जूल, Q इज इक्वल टू 5 कूलाम, कहता है
विभाव विभव अंतर का मान ज्ञात करो। तो v इज इक्वल टू ज्ञात करना है, सूत्र आप लगाएंगे v इज इक्वल टू w अपॉन q, अर्थात w की वैल्यू कितनी है 17 बटे q 5 इज इक्वल टू 3.4 वोल्ट। इस तरह से ये V का मान 3.4 वोल्ट आपको प्राप्त हो जाता है। इस तरह से संख्यात्मक मानों का प्रश्न हल कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। अगला बिंदु है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल होता है, ताप होता है, ये इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, इनकी भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में बहने वाली धारा आई सिरों के बीच लगने वाले विभांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ओम्स ने बताया था। क्या बताया? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप आदि में कोई परिवर्तन न रहे, अपरिवर्तित रहे, अर्थात लंबाई, क्षेत्रफल, ताप कैसे रहे? अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली धारा, कौन सी धारा आई? चालक के बीच सिरों के बीच लगने वाला क्या विभांतर उसके अनुक्रमानुपाती होता है। यह ओम का नियम है। अब मान ले विभांतर को हम बी से प्रदर्शित करें, विभांतर को बी से प्रदर्शित करें, धारा को आई से प्रदर्शित करें, तो ओम्स नियम क्या कहलाता है? ओम्स नियम क्या कहलाता है? वी अनुक्रमानुपाती आई होगा, वी अनुक्रमानुपाती आई होगा, या वी अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक, 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 या वी अपॉन आई इज इक्वल टू नियतांक को यहां रिप्लेस कर दें, ये होगा आर, अर्थात V अपॉन I विभांतर बटे धारा इक्वल टू, ये क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध, ये कहलाता है R, क्या कहलाता है? प्रतिरोध, अर्थात ये आपका फॉर्मूला हुआ। प्रतिरोध क्या होता है? किसी परपथ में आवेश के प्रवाह में रुकावट डालने का जो काम करता है उसका नाम है प्रतिरोध। और प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक ओम, और इसका सिंबल होता है, चिन्ह होता है ये। हमने आपको प्रतिरोध का चिन्ह परिपथ में कैसे बनाते हैं उसको हमने आपको दर्शाया था, इस तरह से ये, इस तरह से ये प्रतिरोध का चिन्ह सिंबल है, अर्थात इस पे लगा दें तो इस तरह से बन जाता है। तो V अपॉन I इज इक्वल टू नियतांक, V अपॉन I इज इक्वल टू R, या R क्या है? R एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हमने इस ओम के नियम का ये सत्यापन है यहाँ पे, ये इसको सत्यापन के लिए हमने ये चित्र बनाया है, परिपथ बनाया है। ये परिपथ में ये प्रतिरोध तार है, और इसको प्रतिरोध तार को वोल्ट मीटर से जोड़ दिया है हमने, है वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध है वो वोल्ट मीटर नापेगा। ये माइनस का सिरा है, ये प्लस का सिरा है, यहाँ अमीटर है, अमीटर विद्युत धारा की माप को बताएगा, विद्युत धारा को बताएगा,
उसके बाद कुंजी लगी है, कुंजी को लगाते ही बैटरी के माध्यम से, बैटरी ये है और इसे धारा नियंत्रक है, धारा नियंत्रक के द्वारा धारा को नियंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार से जब हम कुंजी को यहाँ लगा देते हैं तो धारा परिपथ के अंदर प्रवाहित होने लगती है, अर्थात ये धारा प्रवाहित होने से यह देख रहे हैं ये इसका निडिल अपने स्थान से विक्षेपित हो जाता है। यहाँ से धारा ये देखिए ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ वोल्ट मीटर प्रतिरोध को नापेगा। इस तरह से हम आपको वोल्ट मीटर पहले दिखाते हैं कि वोल्ट मीटर कैसा होता है। वोल्ट मीटर की आकृति ये होती है, वोल्ट मीटर ये है आपका, ये इस तरह से ये धन सिरा है जो हमने ये दिखाया है, और ये आपका ब्लैक कलर का ऋण सिरा होता है, इसमें है अमीटर जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये अमीटर है आपका। इस तरह से ये अमीटर की रचना है, इसमें पैमाना लगा हुआ है, निडिल लगी हुई है, वो इसको पैमाने के आधार पर इसके मान को दर्शाती है कि कितने एम्पियर की धारा इसके परिपथ में प्रवाहित होगी। इस तरह से ये अमीटर है, अमीटर की सहायता से हम धारा का मान प्राप्त करते हैं। अब जब कुंजी लग जाती है तो बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित होने लगती है, तो ओम के नियम का सत्यापन जब करें तो हम देखते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दो एक्सिस है, तो यहाँ पर विभवांतर वोल्ट में नापते हैं, ये विभवांतर है, यहाँ ये इसमें एम्पियर में धारा नापते हैं, तो हम देखते हैं कि वोल्ट का मान 0.4 है तो धारा का मान 0.2 एम्पियर है। इस प्रकार से आगे रीडिंग लेते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट के आधार पर वोल्ट विभवांतर का मान 0.8 वोल्ट है, धारा का मान 0.4 एम्पियर है। इस तरह से हम और आगे बढ़ाते हैं, 0.12 वोल्ट और 0.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से इसका सत्यापन जब करते हैं तो चार्ट में हम इनकी रीडिंग को ज्ञात करते हैं एम्पियर की, और एम्पियर के माध्यम से वोल्टमीटर के माध्यम से, तो ये हमने दिखाया कि इस तरह से एक सरल रेखा बन के आ रही है, ये ओम के नियम का सत्यापन करती है। ये अगले शिक्षण बिंदु प्रतिरोधों का संयोजन, और वो संयोजन हमने श्रेणी क्रम में लिया है, इन सीरीज में लिया है। सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो देखें यहाँ पे एक प्रतिरोध है हमारे पास ए बी, बी सी, सी और डी, ये तीन प्रतिरोध हैं जिनका मान है R1, R2 और R3। जोड़ने का क्रम देखिए, ए बी प्रतिरोध है वो बी सी से जुड़ा है, अर्थात ए बी का अंतिम भाग और बी सी के प्रथम भाग से जुड़ा होता है। ए बी का अंतिम भाग बी है और बी सी का प्रारंभिक भाग बी है, अर्थात ए बी का अंतिम भाग बी सी के प्रारंभिक भाग से जुड़ा है। बी सी किससे जुड़ा है, सी डी का प्रारंभिक भाग बी सी का अंतिम भाग, अर्थात इस तरह से ये क्रम जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमने तीन प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2 और R3, इन प्रतिरोधों को लिया है हमने। इसमें एक बैटरी होती है, बैटरी में जब कुंजी के सहायता से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोधों के बीच ए बी प्रतिरोध है, उनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर ए बी के बीच क्या होगा, विभवांतर होगा, उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात ए बी के बीच विभवांतर का मान होगा, ए बी के बीच विभवांतर का मान होगा V1। प्रतिरोध का मान ए बी के बीच होगा R1 और विभवांतर का मान होगा ए बी के बीच V1।
इवन इसी प्रकार से बीसी बीसी के बीच प्रतिरोध का मान है आर टू और बीसी विभवांतर का मान है वी टू, सीडी में प्रतिरोध का मान हमने दर्शाया है आर थ्री और सीडी विभवांतर का मान है वी थ्री। इस प्रकार से बैटरी के माध्यम से इसमें विभवांतर के मान ज्ञात कर लेते हैं। जोड़ने का क्रम आपने समझ लिया। अब इसमें प्रतिरोध विभवांतर के बीच ओम के नियम का अर्थात ओम के नियम का पालन करेंगे। यहाँ पे पूरा प्रतिरोध क्या गया, कुल प्रतिरोध कितना होगा, R इज इक्वल टू कुल प्रतिरोध कितना होगा, R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का कुल मान आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री पर। इसी प्रकार से कुल विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। इस प्रकार से प्रतिरोध और इस प्रकार से विभवांतर हम प्राप्त कर लेते हैं। ओम के नियम के अनुसार V1 इज इक्वल टू आई आर वन, AV के लिए, इसके लिए ओम का नियम के अनुसार V1 विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। इसी प्रकार से V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 के लिए V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री प्राप्त होता है। V का मान हम ज्ञात कर सकते हैं V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, यहाँ पे ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर ओम का नियम। यहाँ पे V1 की वैल्यू रखें आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। यहाँ कॉमन है R, आई कॉमन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई आर कॉमन, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, अतः ए डी के बीच प्रतिरोध होगा R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में समायोजन करने पर प्रतिरोध का मान R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्राप्त होता है। R का अर्थ है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस प्रकार से हम इनके संख्यात्मक सवाल भी कर सकते हैं। इस प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखेंगे, ये कोई प्रतिरोध तार है, इस प्रकार से ये इसका मान दो ओम है, ए बी सी डी, इसका मान दो ओम है, इसका मान तीन ओम है और इसका मान चार ओम है। इस प्रकार से देखें कुल प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ, ए टू डी, ए से लेकर डी तक कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तुल्य प्रतिरोध आर कितना होगा, आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन क्या है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है। इस प्रकार से 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 ओम। इस A से लेकर D तक का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होता है। अब हम आपको आज का गृह कार्य देंगे, इसको आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है,
ग्रह कार्य आपको देंगे। तो ग्रह कार्य में प्रश्न नंबर एक, आपने क्या क्या पढ़ा है आज? विद्युत विभव, विद्युत विभव किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर दो, विभवांतर क्या है? विभवांतर क्या है? प्रश्न नंबर तीन, ओम का नियम, ओम का नियम क्या है? प्रश्न नंबर चार, यदि किसी चालक के प्रतिरोध दोम तीन ओम तथा चार ओम हो तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो करो। कैसे करना है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ज्ञात करना है। अब इसको आपने स्वाध्याय ठीक प्रकार से वो इसको आपने पढ़ा है, अब आप स्वाध्याय करके आएंगे अगली कक्षा के लिए, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ना, ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। इस प्रकार से ये कुछ बिंदु हैं, इनको आप स्वाध्याय करके आएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मुझे आशा है कि आज आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। धन्यवाद।